तो बेटा आज हम लोग रोजनमंड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। रोजनमंड की मैं बहुत आधार कार्ड से फोटो चुरा के लाया हूँ। ये काका बर्लिन में पैदा हुआ था। कितनी सोनी फोटो है इसकी आधार कार्ड पे, देखो अपने यहाँ पे तो आधार कार्ड की फोटो है। मैट्रिमोनियल में लगा दो तो जिंदगी भर कवारे मरोगे। चलो एनीवेज, हम लोग अभी रोजनमंड रिएक्शन के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो बेटा रोजनमंड रिएक्शन जो है उसको अगर आप देखो थोड़ा सा, तो इसके अंदर ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। कार्बन कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अगर अटैच हो और इसी कार्बन पे अगर Cl लगा हो तो इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। और ये जो कार्बन है ये किसी भी चेन के साथ जो है वो अटैच हो सकता है। ये एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं एसाइल क्लोराइड। तो चाहे आप इसके अंदर एसाइल क्लोराइड एरोमेटिक ले लो, चाहे इसके अंदर एलिफेटिक ले लो, हमने क्या करना है उसका रिडक्शन करना है। यहां से क्लोरीन हटाना है और इसकी जगह हाइड्रोजन जो है वो अटैच करना है। तो ये काम है हमारे पास रोजनमंड रिएक्शन का। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं मैं। ये नोट्स नोट्स के तौर पे जो है इसको आप उतार लेना, समझे। चलो तो बेटा देखो यहां पे मैंने जो है एक एरोमेटिक वाले एसाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल जो है एसिड क्लोराइड का ले रखा है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोल देते हैं। बेंजोइल क्लोराइड को हम लोग ट्रीट करके बेंजेल्डिहाइड में जो है वो चेंज कर देते हैं। तो ये बेसिकली बेंजेल्डिहाइड का प्रेपरेशन है या किसी एल्डिहाइड का प्रेपरेशन है यूजिंग एसाइल क्लोराइड। तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा जी, हम लोग ध्यान से देखो, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जो है वो इसको यूज करते हैं। बड़ा ही फनी सा नाम है इसका, लिंड लार्स कैटलिस्ट। हंसी आती है कई बार तो ये नाम सुन के, लिंड लार्स कैटलिस्ट। बट स्टिल इसको पॉइजन्ड किया जाता है सल्फर की प्रेजेंस में। अब देखो कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं और कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं उन कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर्स, वो रिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। और जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं उन कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइजन। तो पॉइजन ऐसा नहीं है कि पैलेडियम को जहर दे दिया और पैलेडियम मर गया, मतलब डोंट थिंक लाइक दैट, ठीक है। तो पॉइजन्ड बाय सल्फर और बेरियम सल्फेट का मतलब यह है कि जो उसकी एक्टिविटी थी कैटलिस्ट की, जो उसने एक्ट करना था उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिया हमने, समझे। तो देखो तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं बेटा जी, इसके अंदर हम लोग पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये देखो, ये हमारा रिएक्टेंट है, यहां से क्लोरीन हटा के हम लोग जो है वो हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का अटैचमेंट ऑन एसाइल क्लोराइड का क्लोरीन रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगाना, उसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोल देते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन टर्म क्यों यूज करी है, क्योंकि सिर्फ हमने इस जगह पे क्लोरीन को ही रिप्लेस किया, ऑक्सीजन को रिप्लेस जो है वो यहां पे नहीं किया, तो इसीलिए इसको हम लोग पार्शियल रिडक्शन भी बोल देते हैं या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन भी बोल देते हैं। आई होप आपको क्लियर है। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, मैंने रिएक्शन जो है वो लिखी हुई है। चल तो देखो बेटा, दो एग्जाम्पल्स मैंने जो है वो यहां पे लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड के केस का लिया, जिसके अंदर जो है वो यहां पे बेंजीन रिंग अटैच है। बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल अटैच है। ये हाइड्रोजन डाला किसकी प्रेजेंस में, PdBaSO4 ब्लेंड लार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और यहां पे क्या लगा, ये क्लोरीन जी यहां से हट गया है और यहां पे क्या जुड़ गया है जी, हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो अब सोचने वाली बात है कि ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन क्यों है और ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका। बेटा मैं आपको बताऊं, पैलेडियम को तो पहली नजर में ही हाइड्रोजन से प्यार हो गया था। इतना बड़ा सरफेस है पैलेडियम का, उसके अंदर जो छोटे छोटे इंटरस्टीशियल साइट्स हैं, क्योंकि पैलेडियम एटम बड़ा है। ये देखो यहां पे जब पैलेडियम मेटल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है तो यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी इंटरस्टीशियल साइट्स जो है वो बनती हैं। यहाँ पे वो हाइड्रोजन का घर बसा लेता है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन का घर बसा लेता है तो बहुत ज्यादा पोर्स है मेटल के अंदर, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट
के तौर पे हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, पैलेडियम कर रहा है। अब अगर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होगी, क्योंकि अगर मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से बात करूं, तो अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूं, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है मेरे पास, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगा और हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि यहां से ऊपर से ऑक्सीजन ना उड़ जाए या इसका एल्कोहल ना बन जाए, एल्डिहाइड ही बने, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसको पॉइजन कर देते हैं। पॉइजन कैसे करते हैं, ये जो पैलेडियम है इसके सरफेस के ऊपर बेरियम सल्फेट डाला जाता है, जो छोटी छोटी इंटरस्टीशियल साइट्स में, बहुत सारी में सल्फर और बेरियम सल्फेट का घोल बना के डाला जाता है, वो इसमें आ जाता है और हाइड्रोजन की जगह खा जाता है। तो जो उसने हाइड्रोजन के साथ घर बसाया हुआ था, वो गुंडे के माफिक आया और हाइड्रोजन को उसके घर से बाहर निकाल दिया। तो अगर हाइड्रोजन को उसके घर से बाहर निकाल दिया, अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी तो है वो कम होगी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होगी तो वो उतना अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त नहीं कर पाएगी, स्पेंड नहीं कर पाएगी, इसलिए थोड़ा सा हाइड्रोजिनेशन करेगी और बाकी काम खत्म। तो इसलिए ये जो है वो बेंजल्डिहाइड पे ही जो है वो रुक जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, बेंजल्डिहाइड पे रुक जाएगा। आगे देखो, ये देखो नाम इसका, ये है एलिफेटिक, ठीक है। एलिफेटिक यहां पे लिया क्यों, क्योंकि यहां पे जो है सिंपल हमने कार्बन जो है वो ले रखी है, सेम काम इसके अंदर करते हैं, करना कुछ नहीं है जी, हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह लग जाएगा, इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, बात खत्म। अब एक सोचने वाली बात है, भैया इससे कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, कीटोन? अबे नहीं भाई, हाइड्रोजन तो साइड साइड से आया और उसने क्लोरीन को खींच के, क्योंकि क्लोरीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, और उसने क्लोरीन को हटाया और उसकी जगह खुद लग गया, तो कोने कोने से उसने क्लोरीन को खींचा और कोने कोने पे आके अटैच हो गया। तो भैया अगर कोने कोने पे आके ये अटैच हो गया तो CHO ग्रुप बन रहा है, CHO ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, कीटोन नहीं बना सकता इसमें। तो बेटा जी मैंने यहां नीचे मेंशन कर दिया क्या, कि कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने वाला। तो बेटा जी जो बच्चे तो मैकेनिज्म देखने आए हैं वो तो रुक जाओ, और मुझे पता है तो सारे मैकेनिज्म देखने आए हैं, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग वे में जो है वो कर रहे हैं। वैसे तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है इसका, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि कौन किसके साथ नैन मटक्का करके इसको कहां से कैसे निकाल के कैसे अटैच हो रहा है। दोबारा बोलो, चल रिपीट करके देख लेना, आगे आ जाओ। तो देखो बेटा जी ये है इसका मैकेनिज्म, और हम लोगों ने यहां पे लिया क्या, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड ये मेटल है, मेटल के पास जो है ना ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप यहां पे देखो, ये कार्बन एक साइड से इसको क्लोरीन खींच रहा है, ऊपर से इसको ऑक्सीजन खींच रहा है, दोनों साइड से बेचारे को खींच रहे हैं, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे जो ग्रुप्स अटैच है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पैलेडियम इलेक्ट्रॉन देने का दानवीर मेटल है, इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक साथ से इसको देगा, और ये जो क्लोरीन है वो यहां से टूट के पैलेडियम के साथ ही जुड़ जाएगा। तो इमेजिन करके देखो, ये कार्बन है, ये भाई पैलेडियम आ रहा है दानवीरता दिखाने के लिए, कार्बन के पास क्लोरीन था, ये क्लोरीन यहां से टूटा और इसी दानवीर आदमी के साथ, उसको लगा बहुत पैसे वाला है ये, तो चलो इसी के साथ चल देते हैं हम तो बट चलो एनीवेज, उसकी अपनी मर्जी है, जैसा उसको लगा उसने किया। तो हुआ क्या, देखो यहां पे जो है वो पैलेडियम अटैच हो गया, और ये जो क्लोरीन टूटा था वो यहां अटैच हो गया, तो क्लोरीन यहां से हट गया, ये एक बॉन्ड जो है वो यहां बन गया। तो ये बॉन्ड बन गया, देखो ये मैंने यहां बना दिया ये वाला बॉन्ड। अब ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, क्लोरीन भी बहुत बड़ा है, ठीक है, इस छोटे से कार्बन के पास जिसके बाहर आउटर शेल में 2-6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो बेचारा कहां इतने बड़े बड़े लोगों को अपने घर में संभालेगा, थोड़ी देर पनाह दे दी इसने, तो इसका मतलब ये थोड़ी है घर उसका हो गया, कब्जा तो भाई दिल पे उसके हाइड्रोजन का ही है। तो होगा क्या, देखो हाइड्रोजन फिर जाएगा अपने दोस्त के पास और इसको कहेगा छोड़ना पैलेडियम को, तो हाइड्रोजन यहाँ से जो है इसके साथ अटैच हुआ जाके, पैलेडियम यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया। तो हुआ क्या, देखो ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया, ये बेचारा फुकरा ही निकला और बाहर चला गया ऐसे, और यहाँ पे जो है ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो गया और अपने पास क्या बन गया, CH3CHO। तो ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो गया बच्चा जी, ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड।
तो देखो कैटलिस्ट का काम कर रहा था पैलेडियम, तो जैसे रिएक्शन से निकला वैसे ही रिएक्शन में बाहर आ गया, जैसे रिएक्शन से डाला वैसे ही रिएक्शन से बाहर आ गया, तो रिकवर हो गया। तो इसलिए ये कैटलिस्ट है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, इट्स स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन द प्रोसेस, बट इट्स नॉट एक्चुअली मेकिंग एनी प्रोडक्ट्स विद द रिएक्टेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर है। तो बेटा चैनल तो अब लाइक कर ही दिया आपने, अब तो सब्सक्राइब शेयर और सोशल मीडिया में भी शेयर करने लग गए हो सच में। ओ थैंक्स अ लॉट बेटा, ये मुझे लगता है मेरी वीडियोस जो है वो फनी वीडियोस बन के ना रह जाए, इसमें से पढ़ाई भी करनी है आपको, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, आप स्टे ट्यून्ड रहें। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।